ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टली के इस अध्याय में हम जानेंगे लेखांकन की पारिभाषिक शब्दावली के बारे में। इस अध्याय में जो टर्मिनोलॉजी शामिल हैं उसमें हैं व्यापार यानी ट्रेड, पेशा यानी प्रोफेशन, व्यवसाय यानी बिजनेस, मालिक यानी ओनर, पूंजी यानी कैपिटल, आहरण यानी ड्राइंग्स, माल यानी गुड्स, क्रय यानी परचेज, विक्रय यानी सेल्स, क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न और विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न। व्यापार यानी ट्रेड, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। पेशा यानी प्रोफेशन, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है पेशा कहलाता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर आदि द्वारा किए गए कार्य पेशा कहलाते हैं। व्यवसाय यानी बिजनेस, ऐसा कोई वैधानिक कार्य जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन कार्य, वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनियां आदि आते हैं। व्यापार व पेशा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मालिक यानी ओनर, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाभ व हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार के स्वामी कहलाते हैं। यदि किसी व्यापार का मालिक एक व्यक्ति है तो वह एकाकी व्यापारी यानी प्रोपराइटर कहलाता है, और यदि मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो साझेदार यानी पार्टनर्स कहलाते हैं। पर यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तो वे उस कंपनी के अंशधारी यानी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। पूंजी यानी कैपिटल, व्यापार का स्वामी जो रुपया, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। उदाहरण के लिए, विकास ने 20,000 रुपये नकद और 10,000 रुपये के माल से कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया, तो ऐसी स्थिति में उसकी इस व्यापार में लगी हुई पूंजी की राशि 30,000 रुपये होगी। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है। आहरण यानी ड्राइंग्स, व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपया या माल निकालता है वह उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक कपड़े का व्यापारी है, वह व्यापार में से अपने परिवार के सदस्यों के लिए 600 रुपए का कपड़ा ले लेता है, तो यह उसका आहरण कहलाएगा, यह विक्रय नहीं माना जाएगा। माल यानी गुड्स, माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या तैयार वस्तुएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, चीनी मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना व निर्मित शक्कर, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी व तैयार फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज, उन व्यापारियों के लिए माल है। क्रय यानी परचेज, पुनः विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहा जाता है। व्यापार में माल उधार या नगद खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है तो यह क्रय के अंतर्गत आएगा, पर यदि वह अपनी दुकान के संचालन के लिए फर्नीचर खरीदता है तो यह क्रय यानी परचेज के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यह फर्नीचर उसने अपनी दुकान को संचालित करने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। विक्रय यानी सेल्स, जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। जो माल नकद बेचा जाता है उसे नकद विक्रय यानी कैश सेल्स,
और जो माल उधार बेचा जाता है उसे उधार विक्रय यानी क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। नकद और उधार विक्रय को मिलाकर कुल विक्रय यानी टर्नओवर कहा जाता है। क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न, जब खरीदे गए माल में से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसे क्रय वापसी कहते हैं। उदाहरण के लिए, हमने किसी से 100 रुपये का माल खरीदा और उसमें से 10 रुपये मूल्य का माल किसी भी कारण से खराब हुआ या किसी कारण से हमने उसे वापस लौटा दिया तो यह क्रय वापसी या परचेज रिटर्न कहलाएगा। विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न, जब बेचे हुए माल का कुछ भाग विभिन्न कारणों से व्यापारी लौटा देता है तो इस प्रकार की वापसी को विक्रय वापसी कहते हैं। उदाहरण के लिए, हमने किसी को 100 रुपये का माल बेचा और किसी कारण से 10 रुपये का माल उसने हमें वापस लौटा दिया तो यह सेल्स रिटर्न कहलाएगा। टली के इस अध्याय में हमने लेखांकन की जिन पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में जाना उनमें शामिल थी व्यापार यानी ट्रेड, पेशा यानी प्रोफेशन, व्यवसाय यानी बिजनेस, मालिक यानी ओनर, पूंजी यानी कैपिटल, आहरण यानी ड्राइंग्स, माल यानी गुड्स, क्रय यानी परचेज, विक्रय यानी सेल्स, क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न और विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न।